आगम शास्त्र वो होते हैं जो आत्मा के गहन रहस्यों को खोले। उत्तराध्ययन सूत्र एक आगम शास्त्र, हम लोग काफ़ी चार सत्संगों से देख रहे हैं कैसे ये आगम शास्त्र है, यानी जो आत्मा के गहन विषय को, आत्मा की गहन अनुभूति को कैसे पाया जाता है उसकी जो बात करे वो आगम शास्त्र। ऐसे शास्त्रों के अंदर, आगम शास्त्रों के अंदर दो प्रकार के तीर्थ बताए हैं। तीर्थ क्या, पहले तो ये समझ लो, क्योंकि आजकल तुम लिख रहे हो तो तुम्हें भी पता चले तीर्थ क्या। तीर्थ का अर्थ होता है घाट। घाट, कभी गए हो किसी नदी के किनारे? घाट, जहाँ से नदी के अंदर उतरा जाता है, जिस जगह से नदी के अंदर उतरा जाता है उसे घाट कहते हैं, और उस घाट को शास्त्रीय भाषा में तीर्थ कहा जाता है। उसी घाट को शास्त्रीय भाषा में तीर्थ कहा जाता है, यानी तीर्थ का सामान्य अर्थ क्या है? घाट। और उस घाट का फंक्शन क्या है, उसका काम क्या है? नदी में उतारना। घाट के माध्यम से आप नदी के अंदर उतर सकते हैं, जिसे स्विमिंग नहीं भी आती वो भी धीरे धीरे घाट पर एक एक कदम नीचे जाता जाता पानी को छू सकता है। गंगा घाट पर कभी गए हैं आप लोग? हर की पौड़ी, वो जो पौड़ी है ना, जो स्टेप्स वन बाय वन वन, उसे घाट कहा जाता है। घाट का कार्य केवल इतना होता है कि तुम्हें नदी तक पहुँचाने में मदद करे, फिर तुम नदी तक पहुँच ही जाओ। ऐसा कोई घाट तुम्हें धक्का मारने का काम करता है क्या? चॉइस आपकी है। इसीलिए शास्त्रों में कहा जो हमें अपने आत्मरूपी अनुभव की नदी तक पहुँचाने में काम आते हैं ऐसे घाट कौन है? तीर्थंकर। तीर्थंकर, हर एक शब्द को खोलना है। मेरा तो काम है उत्तराध्ययन सूत्र के माध्यम से आपको एक एक शाब्दिक पहलू भी आपका खुल जाए, और उसका क्या गहन अर्थ है, उससे हमें क्या समझना है, समझ में आए। तीर्थंकर का अर्थ इतना ही होता है, एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा घाट जो तुम्हें आत्मा की अनुभूति के निकट ले जाए। लेकिन वो करा नहीं सकते, वो करा नहीं सकते, वो अंतिम अंतिम सीढ़ियां हैं। हाँ, ये है कि आप यहाँ पर बैठे हो, यहाँ पर किसी गंगा का स्पर्श नहीं होगा, लेकिन हरिद्वार की उस हर की पौड़ी पर चले जाओ और उसमें भी उस घाट पर जाकर खड़े हो जाओ, तो संभावना है कि थोड़ी देर में मन आपका खुद ही कहे कि चलो ना, थोड़ा पैर डुबा कर तो आए। तीर्थंकर भी ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसे घाट है जो आपको आत्मा की अनुभव की ओर ले जाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन वो तुम्हें डुबाते नहीं है। डुबाना किसको पड़ेगा? तुम्हें स्वयं को। हाँ, वो सबसे निकट की व्यवस्था है, ये बात पक्की है, उससे निकट कोई नहीं है। इसलिए शास्त्रों में बड़ा अच्छा नाम दिया तीर्थंकर, जो घाट बनकर हमारे जीवन में खड़े हैं वो है तीर्थंकर। और वही तीर्थंकरों ने वापस चार तीर्थ की स्थापना की। चार तीर्थ की स्थापना की। तीर्थ यानी क्या? तीर्थ यानी क्या? घाट। तीर्थंकर तो खुद घाट रूप है, लेकिन तीर्थंकर जानते थे कि हम हमेशा नहीं रहने वाले, इसलिए हमारे बाद भी कोई इन घाटों को संभालने का काम तो करेगा ना, कहीं ना कहीं से तो लोग आगे आत्मा की अनुभूति तक पहुंचने चाहिए। और इसलिए उन्होंने वापस चार तीर्थों की स्थापना कर दी। कौन कौन से? साधु, हाँ तुम लोग श्रावक हो इसलिए श्रावक से ही शुरू करोगे। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, यानी उसके अंदर आप और मैं सभी आ गए। यदि हम श्रावक के नियम से रह रहे हैं या श्राविका के नियम से रह रहे हैं, तो हम भी घाट है जहाँ से हम आत्मा की अनुभूति तक पहुँच सकते हैं। और इन्हीं शास्त्रों के अंदर दो प्रकार के तीर्थ बताए, मालूम है किसी को? कौन से? स्थावर, वेरी गुड, नेहा प्रभु को याद है। और दूसरा
जंगम. वेरी गुड. जंगम क्लैप हो जाए आज तो उनके लिए. हाँ, उनको याद है. वेरी गुड. कितने सालों पहले कभी बताया था आप लोगों को, दो प्रकार के तीर्थ बताए हैं. साधु साध्वी श्रावक श्राविका वो कैटेगरी तो है, लेकिन उसको भी और सिंप्लीफाई करके बताया, एक जंगम तीर्थ और एक स्थावर तीर्थ. तीर्थ का मतलब क्या है? घाट, बैंक ऑफ द रिवर, बैंक कह सकते हैं, या घाट सब शब्द से ज़्यादा क्लियर होता है. दो बताए, जंगम और स्थावर. स्थावर तो शब्द से ही पता चलता है, जो स्थिर है. गंगा का जो किनारा है वो स्थिर है, वो भटके यहाँ नहीं आ सकता. लेकिन दूसरा बताया जंगम, घूमता फिरता घाट. और इसे श्रीमद ने कहा है, जंगम तीर्थ को श्रीमद ने कहा है सद्गुरु. जंगम तीर्थ यानी श्री सद्गुरु, जो घूमते फिरते घाट है, जो तुम्हें कहीं से भी घूमते फिरते देखा ना, कभी तरुण एनक्लेव के मंदिर में, कभी वहाँ गुजरात अपार्टमेंट के स्थानक के अंदर, कभी स्थानक से बाहर निकाला गया हमें, क्योंकि अब तुम्हारी भीड़ बढ़ गई तो बाहर निकलना पड़ता है हमें, तो फिर सामने मंदिर के स्थानक में, तो कभी वहाँ वीर कॉलोनी के स्थानक में, कभी अशोक विहार के अंदर, कहीं कहीं पर भी जो घाट बन जाते हैं, घूमते फिरते घाट, इन्हें कहा जाता है जंगम तीर्थ. और इन जंगम तीर्थों के लिए श्रीमद ने एक बहुत खूबसूरत नाम दे दिया, सद्गुरु. जो इधर से उधर घूमते घूमते तुम्हें कहीं से भी तुम्हारे अस्तित्व में डुबाने का काम करते हैं. घूमते फिरते रहेंगे, ये एक जगह तुम कहो स्थिर हो जाए तो संभव नहीं है. मोबाइल, यस. ओ, आप इंग्लिश वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो हमें आश्चर्य होता है. मोबाइल. हिंदी की फेवर में रहने वाले लोग इंग्लिश वर्ड यूज़ करें तो हमें लगता है मोबाइल, लेकिन अंकल ने बोला तो बराबर. मोबाइल घाट, समझ में आ गया. तीर्थ क्या? घाट. तीर्थंकर कौन? ऐसे सक्षम घाट जो तुम्हें सीधा नदी के अंदर उतार दें. उतार दें शब्द बोला जाता है प्रेमवश, लेकिन उतरना तो तुमको ही पड़ेगा. वो खाली व्यवस्था है, वो गौतम स्वामी को भी नहीं उतार पाए तो और किसी की तो बात छोड़ो. तीर्थंकर जानते थे कि मैं हमेशा नहीं रह सकता, तो उन्होंने चार तीर्थों की स्थापना की. वैसे तो ये भी दो ग्रुप्स है, एक जेंट्स का और एक लेडीज़ का, एक साधु और श्रावक, तो दूसरी तरफ साध्वी और श्राविका. साधु साध्वी श्रावक श्राविका भी घाट है, उनके माध्यम से आप जा सकते हो. लेकिन अब ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब श्राविका बनकर मैं करूं क्या, जाऊं कैसे अपने भीतर, या श्रावक बनकर, तुम श्रावक तो हो लेकिन श्रावक व्रत के अंदर रहकर भी आत्मा अनुभूति नहीं हो रही. तो शास्त्र ने वापस दो व्यवस्था की, जंगम और स्थावर. स्थावर यानी वहीं के वहीं जो स्थिर हो जाते हैं. इनमें आप जो पालीताना आदि तीर्थ को भी डाल सकते हैं जो स्थिर है, लेकिन वहाँ जाते ही तुम्हारे भावों के अंदर उत्तरोत्तर प्रगति हो तो वो स्थावर तीर्थ है. लेकिन यदि वहाँ पर आप एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं, घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, तो वो आपके लिए स्थावर तीर्थ भी नहीं है. जंगम तीर्थ वो है जो कहीं भी घूमते फिरते तुम्हें वो व्यवस्था करके दे कि कहीं से भी आत्मशुद्धि का कार्य आरंभ करो. समझ में आ गई पूरे तीर्थंकरों की व्यवस्था. तीर्थंकर यानी कौन? घाट. बहुत सिंप्लीफाई कर दिया. और इन तीर्थंकरों ने चार घाट दिए, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, जिनसे तुम, जिनके द्वारा तुम नदी में आत्मा के अनुभव में उतर सको. और ये साधु साध्वी श्रावक श्राविका भी यदि समझ लो खाली भाव द्रव्य से साधु हुए हैं, यानी खाली वेश धारण किया है, तो उनको भी तो आगे बढ़ने के लिए कोई घाट की ज़रूरत है. तो उन्हें जिस घाट की ज़रूरत है तो वो या तो स्थावर तीर्थ यानी वो पालीताना शिखर जी या गिरनार, कहीं पर भी जाके वो सब का स्मरण करके अपने भावों में जाए, वरना फिर इनको ज़रूरत किसकी पड़ेगी? इनको भी जंगम तीर्थ की ज़रूरत पड़ेगी. और वो जंगम तीर्थ यानी सद्गुरु. मोबाइल, जैसा अंकल ने कहा, मोबाइल घाट जो कहीं से भी तुम्हें अपने अंतर शुद्धि चलता फिरता तीर्थ. शास्त्रों को मान्य है इसलिए हमें भी मान्य है घूमना फिरना, वरना मैं तो कहती हूँ एक जगह हम लोग स्थिर क्यों नहीं रहते.
और अभी ये बार बार घूमना हो रहा है ना, तो मैं तो इन लोगों को उकसा रही थी कि थोड़ा अपनी जगह बनाने की व्यवस्था को शुरू करो। ये इधर से उधर घूमना, उधर से इधर घूमना, अलग अलग जगह पर। लेकिन प्रभु ने याद दिलाया, प्रभु शास्त्रों में है ना जंगम तीर्थ। अरे अब तुम लोग बनाना नहीं चाहते, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, तो इसलिए तुम लोग ऐसा बोल दो शास्त्रों में है ना जंगम तीर्थ, तो हम जो जगह बनाए वो स्थावर तीर्थ बन जाएगा ना। ऐसा नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, संभावना है, संभावना खाली। लेकिन आप लोगों का क्या विचार है, स्थावर होना चाहिए यानी NH1 पर जाकर, या फिर जंगम ठीक है? जंगम ठीक है। काका प्रभु आप इतनी दूर आएंगे फिर फ्राइडे संडे, फ्राइडे संडे? क्योंकि मैं तो वहीं रह जाऊंगी फिर। आप लोग आएंगे? हम दोनों बैठ के करेंगे सत्संग। अच्छा आप लोग हो? अच्छा हाँ, आप लोगों का क्या विचार बनता है? क्योंकि अब जरा विचार लूँ, बार बार जगह बदलनी पड़ रही है, तो मुझे लग रहा था ये बहुत जगह बदला रहे हो आप लोग। लेकिन एक तरफ जंगम तीर्थ भी समझ में आते हैं, ठीक है जगह बदलते रहो, क्या नए लोग भी मिलते हैं, सही बात है। और यही पर्पस था प्रभु जगह लेने के बाद नहीं बनाने के पीछे, मूल उद्देश्य तो कहीं यही है कि वहाँ जाके बैठ जाएंगे तो हम इतने ही थोड़े बहुत रह पाएंगे। लेकिन जो अलग अलग जगह जा रहे हैं, अब तो कोई भेदभाव भी नहीं रहे, हिंदू भी आ जाते हैं, जैन भी आ जाते हैं, वैष्णव तो काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, तो सारे ही एक होते जा रहे हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन कौन सा चल रहा है? कौन सा? 29th। और अध्ययन नाम क्यों दिया है ये भी आपको पता है? अध्ययन मतलब पढ़ना, पढ़ना यानी कहाँ बाहर कुछ किताब, अपने भीतर पढ़ना, अपने भीतर देखना। अभी तक हमने 29th चैप्टर के जो के अंदर रहने वाले 73 सूत्रों में से तीन सूत्र किए हैं, तीन सूत्र। धर्म के चार आधार, जैसा कि मैं हर बार बता रही हूँ कि जैसे चार पिलर्स चाहिए किसी जगह को, किसी छत को खड़ा करने, वैसे धर्म रूपी छत को खड़ा करने के लिए भी चार पिलर्स चाहिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। वेरी गुड। हाँ वो आज शुरू होगा इसलिए मैं कुछ बोली नहीं, लेकिन आप इतने फटाफट बोल गए यानी आप चाहते हैं कि अब मैं आगे बढ़ूँ। कोई रीकैप की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कराऊँगी। संवेग यानी ज्ञानी के वचन के प्रति खूब उल्लास, किसी ज्ञानी के प्रति तीव्र राग, पौद्गलिक सुख की इच्छा नहीं, सुख चाहता है लेकिन अब संसार से नहीं, मोक्ष मार्ग पर जाकर, और धर्म अनुष्ठानों को भी समझ पूर्वक करता है। और इसका फल क्या था? उत्कृष्ट धर्म श्रद्धा, उत्कृष्ट धर्म श्रद्धा, अनंतानुबंधी कषाय आदि कम होते हैं, उसी जन्म में या तीसरे भव में मोक्ष मिथ्यात्व आदि क्षय होते हैं। ये सारी बातें हमने देखी थी। दूसरा हमने देखा था निर्वेद, निर्वेद यानी वासना और उपासना, दो बातें हमने ली थी। चाहत रूपी, वासना रूपी चाहत का को मोड़कर उपासना रूपी चाहत में लगाना। नवीन आरंभ का त्याग करता है, कुछ नया शुरू नहीं करना चाहता, लेकिन शुरू भी करता है तो उसे थोड़े हायर पर्पस के साथ, और कैसे भी पौद्गलिक सुखों के बीच में होते हुए भी स्वयं के अंदर अनासक्ति का भाव जब होता है तो इसका परिणाम क्या होता है? इंद्रिय विषयों के प्रति विरक्ति। देखो आप लोग ना कोशिश करोगे, हमें ये इंद्रिय सुख नहीं चाहिए, ये सुख नहीं चाहिए, लेकिन वो तो परिणाम है, वो आएगा कहाँ से? सालों पहले जब मैं सत्संग किया करती थी तो वहाँ लोग मुझसे पूछते थे, अरे हमें ये परिभ्रमण का खेद दुख क्यों नहीं लगता, हमें परिभ्रमण का दुख लगाना है। ये परिभ्रमण का दुख नहीं लग सकता, वो तो परिणाम है, वो तो रिजल्ट है, वो आएगा कहाँ से? जब तुम्हें किसी ज्ञानी के प्रति खूब आकर्षण होगा तो परिभ्रमण का दुख तो फल रूप में एज अ रिजल्ट तुम्हें मिलेगा। लोग ऐसे ऐसे डिस्कशन किया करते थे, हमें परिभ्रमण की वेदना कैसे लगे, हमें दुख कैसे लगे, संसार में हर जगह सुख ही सुख है तो हमको दुख नहीं लगता, कैसे परिभ्रमण का दुख लगाए? नहीं लग सकता, क्योंकि ये तुम्हारी ओर से करने वाला काम नहीं है, ये तो रिजल्ट है। इस रिजल्ट के लिए तुम्हें करना क्या है? वासना रूपी चाहत
में से उपासना रूपी चाहत के अंदर अपने जीवन को मोड़ना है। तुम वो करोगे तो उसका फल आएगा कि तुम्हें परिभ्रमण से अब थकान लगे। अदरवाइज तुम कहोगे हमने आगे पीछे के जन्म तो देखे नहीं, हमें क्या थकान लगेगी, और उसमें इस जन्म में तो थोड़ा अच्छा खासा पुण्य है हमारा, वी आर जस्ट हैप्पी। और अगर पुण्य नहीं भी है तो हमारा कॉम्पिटेटिव माइंड है, हम कहीं ना कहीं संघर्ष करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तुमने आगे पीछे के जन्म तो देखे ही नहीं तो तुम कहोगे हमें परिभ्रमण की वेदना लगे कैसे। परिभ्रमण की वेदना लगना, जन्मों जन्म में जो भाग रहे हो उसका दुख तुम्हें तब लगेगा, ये एक परिणाम है, रिजल्ट है। और ये रिजल्ट किसका है, जब तुम्हारे जीवन में या तो ज्ञानी के प्रति का तीव्र अनुराग होगा या वासना से हटकर तुम उपासना की तरफ तुम्हारी चाहतों का रुख मोड़ते जा रहे होगे। समझ में आ रही है बात। आरंभ और परिग्रह से अनासक्ति, उसके अंदर बताया था ना, तुम आरंभ परिग्रह छोड़ने में लगे हो, परिग्रह ये भी छोड़ दो, अब ये कपड़े नहीं पहनने, अब ये गहने नहीं पहनने, अब यहां नहीं जाना, तुम वस्तु छोड़ रहे हो। लेकिन वस्तु छोड़ना तो परिणाम था, कृत्य नहीं था। दो चीजें होती है, एक होता है काम और एक होता है परिणाम, समझते हो ना। तुम साल भर मेहनत से लगन से पढ़ोगे तो उसका परिणाम आएगा कि तुम फर्स्ट आओगे या तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे, है कि नहीं। इसी तरह जब तुम संवेग और निर्वेद से तुम्हारे चित्त को भरते हो तो उसका परिणाम ये होता है, उसका रिजल्ट ये होता है कि तुम्हारे आरंभ की या परिग्रह की वृत्ति अपने आप खत्म होती है। तुम परिग्रह हटाने से परिग्रह की वृत्ति नहीं हटा सकते, ऐसा होता है क्या? उल्टा तुम वस्तुओं को हटाते हो तो उसके प्रति का आकर्षण और बढ़ता है, पता है कि नहीं। जितना जितना जिस जिस वस्तु का त्याग करते हो उसका आकर्षण तो और बढ़ता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ये सब तो फल है, और इसीलिए उत्तराध्ययन सूत्र के माध्यम से, इन 73 सूत्रों के माध्यम से हम फल को भी देख रहे हैं, क्योंकि उस फल के बदले उसे तुम काम के अंदर कर रहे थे, कार्य के अंदर कर रहे थे। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ऑफिस में बैठना, अच्छे से धंधा करना, ये आपका कर्म है। उस कर्म के परिणाम में तुम्हें फल क्या मिलेगा, धन संपत्ति इत्यादि, है कि नहीं। अब तुम धन संपत्ति को काम में डाल दो, ऐसा तुम कार्य में डाल दो तो क्या होगा। ये धन संपत्ति को कार्य में तुम डाल सकते हो, ऐसे बेवकूफी नहीं कर सकते ना। लेकिन धर्म मार्ग पर ये बेवकूफी चल रही है। आरंभ परिग्रह का त्याग कर दो, संसार परिभ्रमण को कि वेदना उठा दो, ऐसे बेवकूफी वाले काम हम करते हैं। कषायों को हटाओ, क्रोध नहीं करना, अब बिल्कुल क्रोध नहीं करेंगे। लेकिन क्रोध नहीं करना तो फल है। यदि तुम्हें किसी हायर के प्रति प्रेम होता है, उनकी जो आज्ञा है, उनकी जो श्रद्धा है, वो तुम्हें शूद्र आचरण से लेते हुए परम आचरण की तरफ ले जाती है, तो आपो आप क्रोध आदि की वृत्ति तुम्हारी टूटती है, वो परिणाम है। और आप सबसे मूल भूल क्या कर रहे हैं कि परिणाम को कृत्य कर रहे हैं, अब क्रोध नहीं करना। समझ पा रहे हो, बहुत बहुत थिन लाइन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो परिणाम होना चाहिए उसे आपने कृत्य बना दिया है, कि अब इतना ज़्यादा आपको अपने भीतर में संतोष का भाव है, इतना सुख का भाव है। आप देखते हैं कि क्या संपत्ति हम लेकर आए और क्या संपत्ति लेकर जाएंगे, कितनी लाए थे, कुछ नहीं, और कितनी लेकर जाओगे, कुछ भी नहीं। तो चलो ना अपने हाथ से दान करते हैं, ये जो संतोष का भाव आया तो दान का कृत्य परिणाम बन गया। लेकिन आपने उस दान को कृत्य बना रखा है कि दान करो, उससे धर्म होता है। समझ में आ रही है बात। दो कॉलम्स बना डालो, एक कृत्य कर्म एक्शन, और दूसरा रिजल्ट परिणाम फल। धर्म के क्षेत्र के अंदर जो जो फल है, जो जो परिणाम रूप में उपस्थित होने चाहिए, प्रकट होने चाहिए, उन सबको आपने कर्मों के अंदर डाल रखा है। क्रोध नहीं करना, विषय आसक्ति नहीं करनी। लेकिन हम अभी देखेंगे कि ऐसा जो व्यक्ति होता है, इसकी विषय आसक्ति वैसे ही कम हो जाती है, अपने आप ही मंद हो जाती है। कब मंद होती है, जब शुश्रूषा नाम का गुण प्रकट होता है। धर्म के अंदर हमें रस चाहिए कैसे भी करके। अरे धर्म के अंदर रस लाना ये कोई कार्य नहीं है, ये परिणाम है, रिजल्ट है। आप समझ पा रहे हो आज, धर्म के अंदर हमें रस लाना है। ये रस लाना कोई काम नहीं है, कोई कृत्य नहीं है, ये रिजल्ट है
जब तुम्हें गुरु आदि के प्रति प्रेम होगा, तीव्र राग होगा, उपासना कर हो रही होगी जीवन के अंदर, या तुम्हारे जीवन में परम आचरण होगा, तो धर्म आदि का रस अपने आप प्रकट होगा। शुश्रुषा चौथा गुण आ ही रहा है, समझ पा रहे हो? आज जो लाइन दे रही हूँ मैं, कृत्य और परिणाम, फल, एक्शन और रिजल्ट, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कहते हैं ना न्यूटन का लॉ। जो भी कृत्य होगा उसके सामने परिणाम मिलेगा, लेकिन कृत्य के बदले परिणाम को पहले रख दिया जाए। अब कभी कार्य सफल होगा? तुम पूरा दिन धन गिनते रहो तो कार्य हो जाएगा अपने आप, लेकिन तुम कार्य करते रहो तो धन गिनने की नौबत आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? नौबत नहीं, क्या बोलना चाहिए, धन गिनने की सुखद घड़ी आएगी। इस तरह यहाँ पर भी, धर्म मार्ग पर भी सारी गड़बड़, ये आकांक्षा करो, ये करो, ये इच्छा करो, ये ऐसा करो तो फिर इसका फल ये होगा, नहीं। अभी अभी मैं एक कहानी पढ़ रही थी, एक व्यक्ति था, बहुत धनी व्यक्ति, उसको धन से तो अब उसका मन भर चुका था, तो उसको लगा कि अब थोड़ा पद प्रतिष्ठा में जाया जाए। डमस्विक नाम की ये जगह थी और वहाँ पर एक बहुत बड़ा मस्जिद था। मस्जिद का व्यवस्थापक होना, मस्जिद का मैनेजर होना, मस्जिद का सबसे मेन कार्यकर्ता होना, वहाँ के उस जगह की डमस्विक की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इसको लगा ये मस्जिद दानवान तो एक्सेप्ट करता नहीं है, काफ़ी पैसा है इनके पास, काफ़ी फंड्स हैं इनके पास, तो फिर ये दान वगैरह तो एक्सेप्ट करता नहीं, लेकिन पूरे समाज के अंदर, पूरे शहर के अंदर मेरी ख्याति तो तब होगी जब मैं यहाँ का व्यवस्थापक बन जाऊँ। और बनूँ कैसे? तो उसके लिए अपने आप को धार्मिक, मैं धार्मिक हूँ ये शो तो करना पड़ेगा ना। तो एक दिन उसने क्या किया, सुबह का उठा हुआ मंदिर के अंदर गया, मस्जिद के अंदर गया, और कोई भी व्यक्ति आए ना उससे पहले पहुंच जाता, और अंतिम व्यक्ति जाए ना उसके बाद मस्जिद से बाहर आता। एक दिन किया कि लोग बाग देखेंगे कैसा धार्मिक व्यक्ति है। उसी दिन बैठे बैठे उसे ये आइडिया आ गया कि ऐसा लगता है मैं साल तक करूँगा ना, एक साल तक ऐसा मैं करूँगा ना कि पूरा पूरा दिन मस्जिद में बैठा बैठा नमाज बोलता रहूँगा, तो ये लोग अपने आप ही कहेंगे कि अब हमारे नेक्स्ट व्यवस्थापक आप बन जाए, आपके जैसा धार्मिक व्यक्ति तो कोई है ही नहीं। स्वाभाविक है, हम लोग भी किसी को इतना आगे आगे देखेंगे कि इतना इतना काम कर रहे हैं, इतना इतना ले रहे हैं, तो उसको भी अपने बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के अंदर कहीं ना कहीं ले लेते हैं, है कि नहीं। ऐसा उसने भी किया, साल भर तक किया, लेकिन कोई बीच में आके बोला नहीं उसको कि भाई आप यहाँ के व्यवस्थापक बन जाइए, मैनेजर की जो पोस्ट है उस पर आ जाइए, क्योंकि वही सर्वश्रेष्ठ पदवी थी उस पूरे डमस्विक नगर की। सर्वश्रेष्ठ पदवी चाहिए, देखो धन से तो उकता चुका था, धन तो खूब था, धन देकर भी कार्य होने जैसा नहीं था, क्योंकि वहाँ पर पैसे देकर कोई व्यवस्थापक नहीं बनता था। तो इसलिए उसने सोचा कि चलो धार्मिक दिखा कर तो मैं व्यवस्थापक बन जाऊँगा। पूरा साल निकल गया, और साल के बाद साल का जो दूसरा दिन होता है ना, नया साल भी शुरू हो गया। नए साल का पहला दिन उसने देखा कुछ फ़ायदा नहीं। पूरे साल तक मैं लोगों को दिखाने के लिए कि मैं कितना अच्छा धार्मिक हूँ, मुझे यहाँ का व्यवस्थापक चुन लीजिए, मान लीजिए, लेकिन कोई भी आकर बोला नहीं। दुखी मन से बेचारा मस्जिद में जो भी ईश्वर होते होंगे उनके पास जाकर बैठा, और दुखी मन से प्रार्थना की, हे भगवान, इतने प्रेम से तो, यदि इतने नियमित रूप से आपकी उपासना की होती तो शायद आपको पा लेता। इन लोगों का क्या भरोसा, बड़ा वैराग्य आ जाता है ऐसे टाइम में, इन लोगों का तो कोई भरोसा नहीं, किसी ने मेरी कदर नहीं करी, अब मुझे लगता है मेरा ये ढोंग मुझे छोड़कर वापस जाना चाहिए। अभी वो ये प्रार्थना करके उठा था और मुड़कर बाहर आया, उसने देखा पीछे पूरे नगर के जो मेन लोग थे, पूरी भीड़ चली आ रही है, और देखा क्या हुआ, तो कहते हैं कि भाई हम सब ने ऐसा सोचा है कि आप जिस निष्ठा से मस्जिद के अंदर आ रहे हैं और पूरा पूरा दुनिया लगा रहे हैं, आपसे बेहतर व्यवस्थापक इस मस्जिद का कोई हो नहीं सकता। लेकिन अभी उसने तो मस्जिद में प्रार्थना क्या की थी भगवान के सामने, कि अब मैं ये इच्छा, ये भावना, ये आकांक्षा अपनी छोड़ता हूँ और मैं जाता हूँ सच में आपकी सच्ची उपासना की तरफ, क्योंकि ये ढोंग से तो कोई आदमी मेरी तरफ आकर्षित हुआ नहीं।
स्मरण में थी उसे उसकी प्रार्थना, इसलिए जैसे ही लोगों ने उससे उनसे निवेदन किया कि प्रभु अब आप यहाँ के व्यवस्थापक बन जाइए, उसने लोगों को सीधा सीधा यही बोध दिया, भाई एक साल से आकांक्षा करता था कि तुम लोग किसी दिन आओगे और मुझे यहाँ का व्यवस्थापक बना लोगे। जब तक आकांक्षा करी तब तक फल नहीं मिला, आज भगवान की साक्षी से आकांक्षा को छोड़ा और फल मिल गया। अब मैं तुम्हारे इस न्योते में नहीं आने वाला। देखो जिसे समझ में आ जाए ना, आकांक्षा छोड़ने से फल मिलता है। सारे धर्म की प्राप्तियां उपलब्धियां फल है, परिणाम है, रिजल्ट है, तुमने उसे कृत्य बना डाला है। ये मत खाओ, यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, अरे तुम नहीं खाओगे ऐसी सहज वृत्ति तुम में उठेगी, वहां तक पहुंचना है, वहां तक। लेकिन नहीं खाकर तुम्हारा खाने के प्रति आकर्षण यदि बना रहता है तो लाभ क्या है, लाभ क्या है? तुम शुरू करो, हाँ तुम नहीं खाओ उससे तुम्हारी वृत्ति खत्म हो जाती है तो यू कैन स्टार्ट दैट वे, लेकिन ऐसे होता नहीं है कभी भी। एक दिन दो दिन तुम्हारी वृत्ति दबेगी, तीसरे चौथे दिन तो जरूर तुम्हारी वृत्ति वही खाने की तरफ भागेगी। नहीं खाने का भाव, ये नहीं इच्छा ही ना हो विषय आदि पदार्थों के प्रति, इच्छा ही नहीं उठती जिसे, ये परिणाम है। और उसका कृत्य क्या है? वासना छोड़कर उपासना। उसका कृत्य क्या है? शूद्र आचरण छोड़कर परम आचरण। उसका कृत्य क्या है? गुरु आदि का जब श्रवण कर रहे हैं तब तीव्र उल्लास का अनुभव, बोरिंग बोरिंग लग रहा है ऐसा नहीं, बहुत उल्लास का अनुभव, ये सब कृत्य है। तो परिणाम में ये आएगा कि सहज ही परिग्रह की वृत्ति छूट गई, परिणाम में ये आएगा सहज ही क्रोध आदि की आदत तुम्हारी छूट गई, रिजल्ट में ये आएगा कि अब और परिभ्रमण नहीं चाहिए अपने आप। समझ में आई? इस मूल सिद्धांत को कभी मत भूलना। हम लोगों ने यही भूल की है, परिणाम को कृत्य बना दिया है। दान तुम्हारा परिणाम होना चाहिए, बस दान के बाद कुछ नहीं, लेकिन दान तुम्हारा कृत्य होता है उसके बाद तो कितने परिणामों की इच्छा होती है। दान तुम्हारा होगा 100 रुपये का, लेकिन उसके बाद फल कितने चाहिए? 1000 रखूं, फल चाहिए 1000। लेकिन दान होना चाहिए तुम्हारा कृत्य, तुम इतने सुख से भरे हो, तुम उस व्यक्ति के प्रति या उस संस्था के प्रति इतने अहोभाव से भरे हो कि तुम दिए बिना नहीं रह सकते, तो बस हो गई बात खत्म। उसके बाद अब वो 100 रुपये तुमने दिए तो संस्था तुम्हें एक्नॉलेजमेंट लेटर दे, तुम्हारा नाम अनाउंस करे, ये सारी इच्छाएं रखना, ये सब गलत। धर्म के 4 आधार, संवेग, निर्वेद और धर्म श्रद्धा, इसको डिटेल में हम समझ चुके हैं। आज चौथा पक्का हम निर्णय करके आए, शुरू तो करना है। शुश्रूषा, शुश्रूषा इसके लिए किताब के अंदर पांचवा सूत्र जो है वो ये चौथा आधार बता रहा है। फोर्थ आधार पांचवा सूत्र बता रहा है। आप लोग इसे हिंदी में, संस्कृत में, कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। भंते, गुरु और साधर्मिक की शुश्रूषा से जीव क्या प्राप्त करता है, ये प्रश्न है। शुश्रूषा का मतलब क्या होता है? श्रुषा, श्रुषा शब्द तुम्हें कुछ संकेत दे रहा है? श्रुषा क्या, क्या स्टार्ट, सुनना, हाँ सुनना। श्रुषा का अर्थ ही है सुनना, और सु यानी ज्ञानी के वचन को सुनना। शुश्रूषा, शुश्रूषा शब्द जो है उसका अर्थ होता है ज्ञानी के वचन को सुनने का तीव्र उल्लास। वचन नहीं है तुम्हारे पास, वचन नहीं है, कोई सत्संग नहीं है, लेकिन सुनने का जो उल्लास उमड़ता है अंदर में ना, ये शुश्रूषा है। सत्संग हो और आप सुनने आ जाओ और आप सुन भी रहे हैं उल्लास के साथ, तो वो क्या है? संवेग, संवेग। लेकिन सत्संग नहीं है पर कुछ सुनने की इच्छा होना, कुछ ऐसा सुनूं जिससे मेरे विकार सारे थोड़ी देर ठहर जाए, कुछ ऐसा सुनूं जिससे मेरा क्रोध ठहर जाए, सुनने की जो तीव्र भावना होना,
और फिर यूट्यूब चला देना और फिर कोई सीडी डाल देना या फिर कोई किताब लेकर अपने नोट्स लेकर पढ़ने बैठ जाना, इसे कहा जाता है शुश्रूषा। समझ में आया? शुश्रूषा यानी सुनने की का आयोजन नहीं है, सत्संग है और आप उल्लास से आ रहे हैं और आप यहाँ पर बैठकर उल्लास से सुन रहे हैं, वो सब किस खाते में गया? संवेग में। लेकिन कोई सत्संग का आयोजन नहीं है, लेकिन आपको सुनने की तीव्र उमड़ अंदर से आ रही है, ये गई शुश्रूषा, जो तुम्हारी पात्रता में से सुनने की इच्छा आ रही है। एक सुनने की इच्छा है जो आयोजन में से आ रही है। आयोजन है तो आपको सुनने की इच्छा है, वो भी अच्छा है, संवेग में गया वो भी। लेकिन आयोजन नहीं है फिर भी आपको सुनने की इच्छा है, होता है ऐसा कभी कि नहीं होता? ऐसा होता है ना। इसे डाला चौथे आधार में शुश्रूषा, और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि जिसके भीतर में शुश्रूषा होगी ना, शुश्रूषा नाम का गुण होगा जिसके भीतर में, उसे सुनने की प्राप्ति यानी समझो ना, ज्ञानी के वचन का योग नहीं भी मिलता ना, तो भी जितने क्षण तक शुश्रूषा चल रही है अंतर विशुद्धि हो रही है। और जिसे शुश्रूषा नहीं है उसे ज्ञानी के वचन का समागम मिल भी जाए तो भी उसकी अंतर शुद्धि नहीं हो रही। समझ में आया? शुश्रूषा का गुण सुनने की तीव्र तड़प इच्छा उत्कंठा, उसके लिए फड़फड़ाते हो, इधर उधर हाथ पैर मारते हो, क्या सुन ले, कहाँ चले जाए, किसी के मुंह से तो जहाँ, जैसे ही आप देखते हो कि मन विचलित हो रहा है तो तुरंत ही तुम्हारा ध्यान जाना चाहिए सत्संग की तरफ, कोई सत्पुरुष की तरफ, कोई शास्त्र के वचन की तरफ, कोई ज्ञानी के वचन की तरफ। और वो जो उस समय अपने विकार में, अपने विषय में, अपनी वासनाओं में नहीं जाकर ज्ञानी के वचन की तरफ जाने का जो ये उमड़ अंदर में आती है, इस गुण को, ये थोड़े क्षणों के लिए होता है लेकिन यदि इसको पकड़ लिया, इसे शुश्रूषा कहा जाता है। जिसके भीतर शुश्रूषा है उसे ज्ञानी का योग नहीं होगा ना तो भी उसका कल्याण सतत हो रहा है, सतत अंतर शुद्धि सतत निरंतर हो रही है। और जिसके भीतर शुश्रूषा का गुण नहीं है वो ज्ञानी के समागम में वर्षों तक रहे तो भी अंदर में आत्म विशुद्धि नहीं होती। समझ पा रहे हैं? शुश्रूषा नाम का गुण। जी जी, फर्क है इसीलिए इस टीका के अंदर और दूसरी टीका के अंदर फर्क है। और जब मैंने परिणाम मिला है ना तो वो इस बात से मैच करते हैं। और भी बहुत सारी टीकाएं हैं जो नम्र मुनि की है, अमोलक ऋषि जी महाराज की है, इसके और उसकी बात में थोड़ा फर्क आ रहा है, इसलिए डोंट वरी। शुश्रूषा शब्द कहीं पर भी शास्त्रों में, किसी भी लाइब्रेरी में, कहीं पर भी मैंने खोजा, शुश्रूषा का अर्थ यही निकल रहा है, सुनने की तीव्र इच्छा। जब हमें विषय आदि घेरते हैं, नर्सिंग का ये नहीं मालूम, लेकिन मैंने तो खास इधर कॉन्ट्राडिक्शन था, हाँ परि उपासना उसमें इसके साथ सेट होता है। शुश्रूषा यानी जब भी मन विषय की तरफ खींच रहा है, क्रोध आदि कषायों की तरफ खींच रहा है, तब उस समय में भी कुछ ज्ञानी के वचन को सुनकर फिर क्रोध आदि की प्रवृत्ति करूं, ये भाव यदि आपको आ जाए ना, शुश्रूषा गुण प्रकट हो गया। हमारा तो क्रोध कैसा होता है, आया कर लेना, पहले हम हल्के हों फिर सुनेंगे। हम लोगों का क्या होता है, गुस्सा आया है पहले जरा बोल दूं उसके बाद फिर ना सुनने कुछ बैठूंगी, अच्छा हल्के हो जाए उसके बाद। तुम हल्के होके सुनने बैठोगे लेकिन धर्म का चौथा आधार कभी प्रकट नहीं होगा। धर्म का चौथा आधार यानी विषय विकार वासना के समय में अटका कर सुनने की भावना, उसके बाद तो जब ये विषय आदि नहीं भी होते तो भी बस सुनने की भावना, जैसे जयश्री प्रभु वगैरह हैं, हम लोग नहीं होते 1.5 महीना तो कहते बहुत अच्छा है, आप नहीं होते 1.5 महीना बाहर चले जाते हो तो इतना अच्छा लगता है, क्योंकि आप होते हो तब तो हफ्ते में एक बार सत्संग मिलता है, आप नहीं होते तो हम रोज सत्संग देखते हैं, डेली सत्संग देखते हैं हम लोग। और ये सीढ़ियाँ इसीलिए शायद ये लोग प्रभावना में देते होंगे, आपका यही कुछ पर्पज़ है ना।
रोज का सत्संग होता है, आप लोगों का ऐसा है ना कुछ, रोज सत्संग देखना, और उसमें दादी प्रभु का रिकॉर्ड तो कोई नहीं तोड़ सकता। दादी प्रभु का रिकॉर्ड जो है डेली का, कई बार तो दो सत्संग देखना भी हो जाता है इनके घर में। और उसमें मासी प्रभु अगर आए, अभी नहीं आए हुए यहाँ, मासी प्रभु हो तो फिर तो वो कृति वगैरह कहते हैं, हम जब भी मतलब घर में कहीं पर भी वी आर रोमिंग, कहीं पर भी हम घर में घूम रहे हो तो कहीं ना कहीं से मासी प्रभु आपकी आवाज़ आती रहती है, या तो इस टीवी से आ रही है या उस टीवी से आ रही है या किसी और छोटे से डीवीडी प्लेयर से आ रही है, कहीं ना कहीं से मासी आप बोलते ही रहते हो पूरा दिन, बोलती है ना ये, तो पूरा दिन ये लोग बहने खाली सत्संग सुनती है। इसे कहा जाता है शुश्रूषा। जिसे ये शुश्रूषा है उसे ज्ञानी का योग नहीं होगा तो भी कल्याण निश्चित है, अंतर विशुद्धि निश्चित है। और जिसमें ये शुश्रूषा गुण नहीं प्रकट हुआ उसे ज्ञानी का योग मिल भी जाए तो भी, मैं जाती हूँ तो तुम लोगों को क्या लगता है, हाँ 1.5 महीने की छुट्टी हुई है, अब ऐसा लगता है तुम्हें, अब से मैं प्लान कर रही हूँ मैं 1.5 महीने जाने ही नहीं वाले, तुम सारे ऐसा मैं प्लान करूँ कि 2 महीने तक भी चली जाऊँ तो जय श्री प्रभु जैसे ही बोलोगे। अब से हम लोग प्लान कर रहे हैं थोड़ा 1 महीने के लिए जाएंगे, ज़्यादा 1.5 महीना ज़्यादा लंबा हो जाता है, लेकिन चलो चले भी जाएं तो भी तुम तो धर्म का आधार अपने में टिकाए रख सकते हो कि नहीं। तुम्हें अंदर से ये होता है कि वो गए अब 4 संडे फ्री मिलने वाले हैं, एक संडे इस मॉल में, दूसरे संडे घर की सफाई में, तीसरा संडे रिलेटिव्स के साथ, क्योंकि एवरी संडे आप हमारे साथ होते हो, रिलेटिव के पास जाते कब होंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको भी थोड़ा थोड़ा देना चाहिए ना ब्रेक के, नहीं हाँ कि नहीं लवी जी। शुश्रूषा मैं तो चेक कर रही हूँ आपकी शुश्रूषा है कि नहीं, हमें तो जितने टाइम जाना होगा हम जाने ही वाले हैं, तुम्हें शुश्रूषा प्रकट हो बस ये मेरी भावना है। दूसरा शुश्रूषा, क्योंकि इसमें इसमें इन्होंने लिया है इसलिए मैंने भी लिया है, गुरु आदि की न अति दूर न अति निकट से विधि पूर्वक सेवा करना, यानी व्यवहार विनय को इन्होंने लिया है इसमें, इसलिए मैंने भी कंपाइल कर दिया, गुरु आदि की न अति दूर न अति निकट से सेवा करना व्यवहार विनय, क्योंकि इसका रिजल्ट व्यवहार विनय का रिजल्ट जो है ना वो इन्होंने यहां लिखा है, इसलिए मैंने कहा इसके अंदर लेना इसको ठीक रहेगा। न अति दूर न अति निकट से सेवा करना, इसका मतलब सेवा करने का मतलब ना, एक तो ये मत समझना पैर दबाना, हाथ दबाना, गला दबाना, सिर दबाना, ये मत समझना, सेवा का मतलब बहुत होता है, गुरु के वचन की प्रभावना, गुरु के वचन की अनुमोदना, गुरु के काम। आज ये लोग नहीं है स्वाति प्रभु, लेकिन मुझे मैं मेरे सारे रेफरेंस आते हैं स्मारक से, जितना भी आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, स्मारक की लाइब्रेरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है ना एशिया की, तो वहाँ से जितने भी उत्तराध्ययन सूत्र अभी मैं पढ़ रही हूँ, 8 या 10 उत्तराध्ययन सूत्र आए वहाँ से, स्मारक की लाइब्रेरी से आते हैं, जिसको मैं अपना रेफरेंस बनाती हूँ। और फिर जनरल रेफरेंस के लिए कौन सी किताब रखनी है तो एक अपने आप डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन फ़ोन गया नहीं उनको और वो लोग स्मारक के लिए निकले नहीं, ये उनकी सेवा भक्ति है, ये उनकी सेवा भक्ति। फ़ोन गया अभी तो मैंने सुबह फ़ोन कराया उनको, या करती हूँ या कराती हूँ इनसे कि प्रभु जरा बोलना कि मेरे को ये उत्तराध्ययन सूत्र की अलग अलग टीकाएँ चाहिए, स्मारक में जितनी भी अवेलेबल हैं सारी ले आए। घंटे में फ़ोन आ जाता है, प्रभु ये टीकाएँ हैं, और अभी तो आपके स्मारक में उत्तराध्ययन की कितनी टीकाएँ हैं ना, मेरे पास पूरा लिस्ट है उसका, आप लोगों को नहीं पता होगा इतना लिस्ट तो मेरे पास है स्मारक की किताबों का। वहाँ घंटे में पहुँच जाएंगे, और ना अति दूर ना अति निकट, ऐसा नहीं कि बार बार परेशान किया फ़ोन कर करके, अच्छी तरह बात को समझते हैं कि मुझे आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाली टीकाएँ चाहिए, मुझे धर्म परंपरा को जो दृढ़ करे वैसी टीकाएँ नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ श्वेतांबरों की है टीकाएँ, कुछ डेरावासियों की, डेरावासियों के साधुओं ने लिखी है, कुछ दिगंबरियों की टीकाएँ हैं, अलग अलग कितनी सारी टीकाएँ हैं। मैंने कहा वो टीकाएँ ढूंढ कर लाओ जिसमें से आध्यात्मिक दृष्टिकोण निकलता हो, अच्छी तरह ढूंढते हैं, ये नहीं कि प्रभु ये बता दो प्रभु वो बता दो, कुछ नहीं, 4-4 घंटे लगाते होंगे ये लोग स्मारक में, जब भी मुझे कोई भी पुस्तक चाहिए होता है स्मारक की लाइब्रेरी में 3-3, 4-4 घंटे वो लोग बैठते हैं टीकाएँ ढूंढते हैं। तो आज मैं जो भी कुछ बोल रही हूँ ना उसमें उनका कितना भाग है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आज ही नहीं आए, बताओ कितना मजा आता अगर वो सुनते तो। कोई
कोई भी सेवा इत्यादि का कार्य दिया जाए, इवन ब्लिस ऑफ विजडम के लिए इन लोगों को भी आर्टिकल्स लिखने का काम दिया जाता है, एक बार भी मुझे फ़ोन नहीं आता कि प्रभु अब कैसे करना है, कितना लिखना है, क्या लिखना है। अरे इतने इतने सालों में आपको यही विवेक नहीं उठा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, क्या बताना चाहती हूँ, तो मत लिखो तुम छोड़ दो। अब ये विवेक तुम में उठ चुका है, इसीलिए मैंने तुम्हें ये सेवा दी है। उसके बाद तुम बार बार मुझी को फ़ोन कर करके डिस्टर्ब कर रहे हो, प्रभु इतना लिखा है जरा सुनिए तो कैसा है, जरा इतना लिखा है देखिए तो ये बिल्कुल मैच करेगा हमारे को आर्टिकल में डालने में। यदि आप ऐसा कर रहे हो तो सेवा तो ली है आपने, लेकिन विनय नहीं संभाल रहे, कुछ लाभ नहीं होगा, शुरुषा के खाते में नहीं जाएगी। कोई भी कार्य करते हो, इनको मैं कई बार कुछ कार्य दे देती हूँ सदर का, इनको सदर की कोई भी दुकान, सदर में जाते हो, कहाँ जाते हो, चावड़ी में कुछ काम होते हैं कि प्रभु ये लाना है, तो बस समझ गए बात खत्म, उसके बाद कोई फ़ोन नहीं आता। और बाकी तो कई बार इनका काम हनुमान जैसा है, नहीं समझ में आया तो इतना सारा सैंपल लेकर घर पर आ जाते हैं, ऐसा हनुमान का था ना ऐसा काम कई बार, क्योंकि वो फ़ोन करेंगे तो शुश्रूषा से बाहर चले जाएंगे, इसलिए वो अब इसको मैं किस में डालूं, इसको हनुमान में डाला, नहीं समझ में आता ना, इतने सारे सैंपल उठा के ले आएंगे, प्रभु अपने आप पसंद कर लो क्या अच्छा है इसमें से, फिर हम लोग सारे बैठते हैं पक्का करते हैं। शुश्रूषा यानी पहला तो वचन को सुनने की तीव्र इच्छा, आयोजन के बिना अब ये इच्छा तुम्हारे भीतर से उठी है। एक तो है आप अष्टावक्र के सत्संग में संडे को आएंगे, वो इच्छा आयोजन के कारण थी, लेकिन एक इच्छा है जो आयोजन नहीं है और फिर भी आप आ रहे, फिर भी आपको सुनने की इच्छा हो रही है, ये जाएगी शुश्रूषा के खाते में। और नंबर टू, गुरु आदि की व्यवहार विनय, न अति दूर न अति निकट से विधि पूर्वक सेवा करना। तीसरा, शुश्रूषा के अंदर गुण ग्राहकता की दृष्टि। एक बात याद रखना, जिंदगी में गुणवान बनना ना फिर भी आसान है, लेकिन किसी के गुण देखकर उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना, उसकी अनुमोदना करना, ये मुश्किल काम है। गुणवान बनना फिर भी आसान है कि आप में कुछ गुण है, लेकिन किसी के गुण देखे और उसको उसकी अनुमोदना करना, उसकी प्रेस करना, ये थोड़ा मुश्किल है कि नहीं है। गुणवान बनना फिर भी आसान है कि भाई अब तुम में भी इतना ज्ञान आ गया, बढ़िया, अभी तो रचित तुम भी लिखने लगे हो, तुम ब्लिस ऑफ विजडम की टीम में घुसने वाले हो, तुम जिस तरह लिख रहे हो अच्छा लिख रहे हो उत्तराधीन सूत्र के ऊपर भी, लेकिन थोड़ा थोड़ा हमसे भी चेक करा लिया करो, क्योंकि जो तुम इतने लोगों को भेज रहे हो उसके अंदर मैं नहीं चाहती कि कोई भी मिस्टेक हो, शास्त्रीय रूप से कहीं कोई भी रॉन्ग चीज़ नहीं फ्लोट होनी चाहिए। गुण ग्राहकता की दृष्टि, बात क्या कर रहे थे हम, इसी की बात कर रहे हैं। हाँ, तुम में ज्ञान आ जाए वो तो फिर भी आसान है, लेकिन किसी ज्ञानी को देखकर उसके ज्ञान की प्रशंसा कर सको, ये टफ है। क्योंकि तुम में ज्ञान आ जाए ना, वहाँ तक तो तुम समझते हो तुमने बहुत मेहनत की है इसलिए तुम इस स्थिति पर हो, लेकिन किसी ज्ञानी को देखोगे ना, और वो भी छोटी उम्र के ज्ञानी को, तो तुम कहोगे अरे क्या पूर्व की साधना है इनकी, पूर्व की साधना, इस जन्म का नहीं लगता। तुम अपने लिए तुरंत बोलोगे कि हमने इस जीवन में ना बहुत सत्संग किया तो काफ़ी ज्ञान अब इकट्ठा हो गया, लेकिन कोई छोटे उम्र के ज्ञानी को देखोगे ना, तुम कहोगे पूर्व का आराधक जीव है इसलिए इतना ज्ञान है इसके पास। तुम क्यों नहीं मान सकते कि तुम अगर 70 ईयर्स में तुमने इतना ज्ञान इकट्ठा किया है दिन के 2 घंटे स्वाध्याय सत्संग करके, तो 40 साल के किसी ज्ञानी ने इतना ज्ञान इकट्ठा किया होगा दिन रात की मेहनत करके, तुम क्यों नहीं सोच सकते? क्यों वहां तुम्हारा मन ये बोलने को मजबूर होता है वो तो पूर्व का आराधक जीव है, ये दिखाता है तुम में शुश्रूषा नहीं है, यानी गुण ग्राहकता की दृष्टि नहीं है। तुम्हारे ज्ञान के लिए तुम्हें 1 घंटा लगा तो उसके ज्ञान के लिए उसे 24 घंटे लगे होंगे, मेहनत के बिना यहाँ कुछ नहीं पकता। हाँ, पूर्व की आराधना का धक्का होता है ज़रूर, लेकिन वर्तमान का भी जोर उसके अंदर चलता ही है। पूर्व की आराधना के कारण समझो ना कि तुम कितने केजी हो, 108। हाँ, अपने को तो एक आंकड़ा फा गया है, सभी को याद है, देखो तुमसे पूछा वहाँ से जवाब आया 108 किलो,
क्योंकि अपने तो काफ़ी सालों से 108 रखा है, कुछ ना कुछ चीज़ें हम ना मेंटेन रखते हैं हमेशा। शरीर मेंटेन नहीं होता तो वजन तो मेंटेन करके रख सकते हैं ना, 108 का आंकड़ा, और वो भी 108 का आंकड़ा तुम्हारे में है अभी, लेकिन कहीं कुछ इसको भी धक्का मारना है तो कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी कि नहीं। पूर्व की आराधना है लेकिन वर्तमान में इस ज्ञान को धक्का मारना है तो वर्तमान की भी मेहनत चाहिए और काफ़ी चाहिए। वो तो है ही, वो हमेशा है, लेकिन तुम किसी के गुण देखकर उसे कॉम्प्लीमेंट कर पाओ, उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर पाओ, ये दृष्टि का विकास, ये शुश्रूषा है। करना तुम्हें ये है, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा? देखो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं शुश्रूषा के, लिखते जाना। मैं तो किसी दिन इसका बहुत बड़ा चार्ट बना के ले आने वाली हूँ जो सबके पास होना चाहिए। इसका रिजल्ट क्या है? जो तुमने व्यवहार विनय किया था ना, व्यवहार विनय क्या था? गुरु आदि की न अति दूर न अति निकट से सेवा। उसका परिणाम ये आता है कि गुरु वचन का आशय समझ पाते हो तुम। आशय स्टोरी समझ जाओ आप, ये तो बहुत अच्छा है। अभी स्टोरी सुन ली आज वो डम्सविक की, तो घर जाके हो सकता है आप अवनी को सुना दो, लेकिन उसके पीछे का आशय जो है ये समझ पाना। आशय मतलब उसके पीछे पर्पस क्या है, मॉरल क्या है, कंक्लूजन क्या है उस स्टोरी का। वो आशय समझ पाने की बुद्धि तभी खिलती है जब तुम्हें शुश्रूषा नाम का गुण हो। समझ पा रहे हो? इसे परमार्थ विनय कहा जाता है, परमार्थ विनय, कि गुरु के वचन का आशय पकड़ पाना, उसका मॉरल पकड़ पाना, उसे परमार्थ विनय कहा गया है। जिसमें शुश्रूषा होगी उसको गुरु के वचन का या शास्त्र के वचन का, गुरु के साथ साथ मैं शास्त्र भी रखती हूँ क्योंकि मैं तो शास्त्रों को ही पढ़ पढ़ के उनका आशय निकाल रही हूँ, तो शास्त्र पढ़कर उसका एक्चुअल मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग कि मेरी आत्मा की शुद्धि के लिए यही काम का है, ये समझ पाने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं, और वो जो चाहिए वो कहाँ से प्रकट होगा। अब तुम शास्त्र पढ़ पढ़ के नहीं प्रकट कर सकते, लेकिन उसे प्रकट कहाँ से कर सकते हो? शुश्रूषा सुनने की तीव्र इच्छा से। समझ में आ रहा है? गुरु के प्रति प्रेम होगा, ज्ञानियों के प्रति प्रेम होगा, तो वो जब यहाँ नहीं होंगे ना तो भी उन्हें सुनने की इच्छा, जैसे प्रभु आपके एग्जाम्पल से बताऊं, हम यहाँ नहीं है तो भी हमें सुनने की तीव्र इच्छा, ये क्या है? शुश्रूषा। और उस शुश्रूषा के कारण फल परिणाम क्या मिला? हम जो भी कह रहे हैं उसका आशय आप पकड़ पा रहे हो, जो भी कह रहे हैं उसका मॉरल आप पकड़ पा रहे हो, जो भी कह रहे हैं वो आपको एकदम एग्जैक्ट उसी डायमेंशन में समझ में आ रहा है, और तभी आपके आर्टिकल सिलेक्ट हो जाते हैं ब्लेस ऑफ विजडम के लिए। तभी, क्योंकि जो मैं कहना चाहती हूँ मैं लिख नहीं रही। इस बार के ब्लेस ऑफ विजडम में 90-92 पेज की कोई ब्लेस ऑफ विजडम है, काफ़ी लंबी चौड़ी है इस बार, एक छोटा सा आर्टिकल है मेरा, एक बस, और वो भी आर्टिकल है सद्गुरु कौन, सदगुरु कौन, सिग्नेचर ऑफ अ सदगुरु, जिसे इंग्लिश में जयश्री प्रभु ने लिखा। एक छोटा सा आर्टिकल मैंने दिया है, बाकी दीज पीपल लीना प्रभु, जयश्री प्रभु, स्वाति प्रभु और चौथे संजय प्रभु, इनकी टीम इतनी कैपेबल है कि जो डायमेंशन मैं बताना चाहती हूँ वो एग्जैक्ट उसी डायमेंशन को लिखने में ला रहे हैं, एग्जैक्ट वही डायमेंशन। एंड दिस टाइम आई एम रियली वेरी हैप्पी विद दिस ब्लिस ऑफ विजडम, जो ये ब्लिस ऑफ, क्योंकि मैं तो पूरा टाइम यूएस में थी, पीछे से यहाँ ब्लिस ऑफ विजडम पूरी रेडी थी, आर्टिकल्स टाइप होके रेडी हो चुके थे, हाउ, और उनको एक एक आर्टिकल को पढ़ कर निकालती हूँ, लेकिन वो एग्जैक्टली वही बात कह रहे हैं, लिख रहे हैं जो मैं बताना चाहती हूँ। कहीं बार कई जगह मैंने वो बात इतना स्पष्ट रूप से बताई भी नहीं है, लेकिन तब इन लोगों की शुश्रूषा ने उस बात को उतना स्पष्टता से खोल के रखा है। ये भी करते हैं ये लोग, ऐसा गौतम प्रभु को भी देखती हूँ मैं। कई बार मैं मेरे बताने में कमी होती है, शब्द की मर्यादा, या समझो ना मैं भूल गई, कुछ भी हो सकता है, तो पीछे से गौतम प्रभु इत्यादि भी इस काम को करते हैं, मेरे आशय को वहाँ तक पहुँचाते हैं। उन्हें कैसे पता चलता है मेरा आशय जब मैंने बताया ही नहीं? शुश्रूषा। इसलिए तुम ये मत सोचना कभी कि बहुत सारे शास्त्र पढ़ लेंगे ना तो हमें परमात्मा के वचन का आशय समझ में आएगा। कभी नहीं आएगा, लिखा लो तो मुझसे, कभी नहीं आएगा। आएगा इंदुबा?
कितने शास्त्र पढ़ लो तो तुम्हें लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा कि इसके पीछे आशय क्या है, कहना क्या चाहते हैं। और एक ज्ञानी के वचन को सुनने की तीव्र उत्कंठा तुम्हें सारे आशयों को खोल के गुरुगम तुम्हें पता चल जाता है। अब क्यों न विचारत है मन से कुछ और रहा, उन साधन से शास्त्रों को पढ़ने से काम नहीं होगा, नहीं होगा। कुछ और रहा, क्या और रहा? उत्तराध्यायन सूत्र ने जवाब दिया, शुश्रूषा रही, शुश्रूषा बाकी रह गई। तुम्हें सुनने की इच्छा नहीं है। देखो, इसे पहले क्यों नहीं डाल दिया? चार आधार में पहले डाल देते? नहीं, पहले तो संवेग ही डाला कि पहले आके तो पहले उल्लास भरो, फिर उनके विरह में वो उल्लास को टिकाओ। पहले आके उल्लास से भरो, फिर जब वो एब्सेंट हो जाए, जब वो नहीं है, तो उस उल्लास को टिकाओ। उस उल्लास को टिकाओ तो कह रही हूँ मैं, वो उल्लास, वो प्रेम ऐसा होता है कि तुम सुने बिना रह नहीं सकते। ये है शुश्रूषा गुण। और उसका फल क्या है? आशय तुम्हें पता चलता है। कितना बड़ा फल है! कितने सत्संग सुनते हो? क्या क्या अभी मैं ऐसा मान लूँ कि अभी इस हॉल में बैठे जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, सब मेरी हर बात का वही मीनिंग समझ रहे हैं जो मैं कहना चाहती हूँ? ऐसा हो सकता है? या फिर दो साथ में बैठे हुए व्यक्ति एक जैसा मीनिंग समझ रहे हैं, ऐसा हो सकता है? आगे पीछे बैठे हुए नहीं, हर कोई अलग अलग क्यों समझ रहा है? क्योंकि हर किसी ने शुश्रूषा अलग पाई है। समझ पा रहे हैं आप लोग? समझ पा रहे? इजी है कि टफ है अंकल? बनाना पड़ेगा प्रभु, क्योंकि जो हम कर रहे हैं ना, शास्त्रों में सिर मार रहे हैं अपना, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं लोगों को, लेकिन वो सब परिणाम है। तुम शास्त्रों को समझ पाओ, ये प्रज्ञा खिले, ये तो रिजल्ट है। और उस रिजल्ट का एक्शन क्या है? उस रिजल्ट का कृत्य क्या है? शुश्रूषा, बोलो ना। उस रिजल्ट का कृत्य क्या है? कब आएगा वो रिजल्ट? तुम फर्स्ट कब आओगे? जब तुमने इतनी पढ़ाई कर रखी होगी। तो तुम्हें शास्त्रों के वचन का आशय कब पता चलेगा? जब तुमने किसी गुरु को सुनने की, फिर चाहे गुरु मिले के ना मिले, तुमने सुनने की तीव्र इच्छा की होगी। आज यदि मुझे भी ये शास्त्र पढ़ पढ़ के समझ में आ जाते हैं, हालांकि मैं कभी नहीं कहती ये शास्त्र पढ़ती हूँ। इनफैक्ट वचनामृत के लिए तो इडर में अभी हम लोग जब थे, तो वही किसी ने पूछा था, आप कैसे पढ़ते हो कि आपको अपूर्व अवसर का ये अर्थ समझ में आया? किसी ने मुझसे पूछा था कि आप कैसे पढ़ते हो, कहते और वो 21 गाथा 23 गाथा जो भी है, मतलब हम लोग तो पढ़ जाते हैं, उस पर आपने कितने कितने सत्संग दे दिए, और वो भी आपको पता है आखिरी के 6-7 गाथा तो आखिरी सेशन में हुई। पहले तो हम लोग कितनी आराम से कर रहे थे, एक एक कड़ी, एक एक गाथा, एक एक सत्संग में, कि जैसे अपने 11 दिन की शिविर हो, इस तरह चल रहा था आयोजन पूरा। कहते आप कैसे पढ़ते हो श्रीमद के वचनामृतों को के आपको ये आशय उनका समझ में आता है? और यही परफेक्ट आशय है। इडर के ट्रस्टी मुझे कह रहे थे, कहते जो आपने बोला ना वही राइट बात है, वो कहीं नहीं लिखी आ रही, लेकिन यही राइट है। कैसे पढ़ते हो आप? मैंने कहा श्रीमद के वचनामृत के बारे में कहूँ तो मैं इतना कह सकती हूँ कि मैंने आज तक वचनामृत पढ़ा नहीं, आज तक वचनामृत पढ़ा नहीं है, क्योंकि ये पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगता है वो मुझसे बोल रहे हैं, श्रीमद मुझसे बोल रहे हैं। कोई बोल रहा हो तो उसे समझ पाना कितना आसान होता है, क्योंकि उसकी आंखों का इशारा, उसकी हाथों का इशारा, क्या लगता है कि नहीं? और कोई पढ़ रहा हो तो उसकी बात अलग हो जाती है। मतलब मुझे आज तक नहीं लगा कि मैंने वचनामृत पढ़ा है, मुझे हमेशा यही लगा है कि श्रीमद ने मुझसे कहा है ये वचनामृत। कितनी बार पढ़ लिया अब तक, पढ़ने की भाषा में कहूँ तो, लेकिन हर बार यही लगता है वो मुझसे कह रहे हैं। और जब वो कह रहे हैं तो शुश्रूषा इतनी है ना उन्हें सुनने की कि अपने आप आशय समझ में आ जाता है, इस बात का यही अर्थ होता है। शुश्रूषा का फल क्या है? नंबर 1, आशय समझ में आता है। कोई भी शास्त्र, मतलब अभी कोई अपना, तुम इसे आत्मश्लाघा ना समझो तो मैं तुमसे बात कहूँ, तुम ये मत सोचना आज प्रभु को क्या हो गया, अपनी तारीफ करे जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं सोचोगे ना? भाई तुम सब बड़े प्यारे हो, प्रेमी हो कि नहीं हो? तुम लोग ये तो नहीं सोचोगे आज प्रभु अपनी तारीफ करे जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं सोचोगे? तो एक बात बोलूँ,
आज की डेट में कोई भी शास्त्र उठाती हूँ ना तो मुझे सभी का अर्थ समझ में आ जाता है, क्योंकि वो एक ही तो बात बता रहे हैं, एक ही तो बात कह रहे हैं कि अंतर शुद्धि कैसे हो, ये आत्मा परमात्मा का अनुभव कैसे करे, कोई दूसरी तीसरी बात तो है ही नहीं। हर शास्त्र यही बात बताना चाह रहा है, तो हर वाक्य उसी अर्थ को निकालने की तरफ जा रहा है। वाक्य चाहे कोई भी हो लेकिन अर्थ वही निकलता है। चाहे अष्टावक्र गीता उठाऊं, वरना आजकल मैं पढ़ रही हूँ अध्यात्म उपनिषद, अब पता नहीं किसी दिन आना होगा, इसलिए अभी से मुझे उपनिषदों में बहुत रस है, तो मैं अध्यात्म उपनिषद पढ़ रही हूँ। तो एक एक श्लोक संस्कृत में ही पढ़कर ज़्यादातर तो समझ में आ जाता है कि वो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं, कैसे आत्मा और परमात्मा का मिलन हो, कहाँ से आता है, ये परिणाम है जिसे आप जैनी लोग, हम भी जैनी हैं, हम जैनी लोग ज्ञानावरणीय का क्षयोपशम कहते हैं ना, कि इसका ज्ञानावरणीय का क्षयोपशम बहुत अच्छा है इसलिए सारा समझ जाती है। लेकिन इन शब्दों को भी थोड़ा तोड़ तोड़ के समझो ना, तो इसकी शुश्रुषा बहुत अच्छी थी जिसके कारण ये समझ पाती है। आज की डेट में तुम्हें ज्ञानावरणीय का मतलब समझ में आएगा, ज्ञानावरणीय क्या होता है। जिसकी शुश्रुषा बहुत अच्छी होती है, सुनने की तीव्र इच्छा, समझने की तीव्र इच्छा, समझने की तीव्र इच्छा, जानने की तीव्र इच्छा, इन सबको तुम कहोगे हमें भी जानने का मन करता है, किसको, संसार का, बाहर का, वो नहीं, यहाँ आत्मा कैसे परमात्मा बने, ये जो तीव्र इच्छाएं हैं ना, ये शुश्रूषा बनती है। और ये हर हर शास्त्र का आशय समझाने में सक्षम है। दूसरा इसका परिणाम, आज्ञा पालन की सहज मनोवृत्ति। लो, आज्ञा पालन की सहज मनोवृत्ति। कुछ लोग होते हैं यहीं बैठे हुए, कितने ही लोग होंगे जिन्हें अभी तक नित्यक्रम शुरू नहीं हो रहा होगा जिनसे, और कुछ होंगे जिनका नित्यक्रम कभी छूटता नहीं होगा, होंगे कि नहीं होंगे। आज्ञा दी और सहज ही उठाई, ऐसी ये भी एक दशा है। अब ये आप कर करके नहीं ला सकते, लेकिन जिसके भीतर में शुश्रूषा होगी ना, उसके जीवन के अंदर ये परिणाम रूप में अनिवार्य रूप से होगा कि गुरु की आज्ञा आई, शास्त्रों की आज्ञा आई और वह काम तुरंत कर लिया। सहज मनोवृत्ति, उसे बोझ नहीं लगता, वो बोझ नहीं लगता। तुम्हें ध्यान करना बोझ लग रहा है अगर, तो इसका मतलब है अभी ये सहज नहीं हुआ, नहीं हुआ कानों में डाल के करने वाला। बोझ लगता है मतलब सहज नहीं हुआ है। लेकिन जिसके जीवन में बस बोला और सहज हो गया, आ गया, इसका मतलब उसकी शुश्रूषा बड़ी जबरी रही होगी। समझ में आ रहा है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, वह व्यक्ति दूसरों को मोक्ष मार्ग में लाने का निमित्त बनता है। निमित्त उपादान आपने बोला ना, जो जिसके अंदर शुश्रूषा गुण होगा ना, वह व्यक्ति दूसरों को मोक्ष मार्ग पर, धर्म मार्ग पर लाने में निमित्त बनता है, कारण बनता है। तुम चाहे कितने भी लोगों को फोन करो, कहीं से भी बुलाओ, कहीं कुछ पैम्पलेट्स भेजो, कुछ भी करो, रचित तुम्हें लगता है ना खूब सारे दोस्त बनाऊं ताकि सारे यूथ क्लब में आए, अच्छा कार्य कर रहे हो, लेकिन वो तुम्हें देखकर कब आएंगे, जब तुम्हारे भीतर शुश्रूषा होगी। तो वह व्यक्ति आपो आप उस व्यक्ति को देखकर, उसे बातें कर उसे दो उसके साथ थोड़ी देर रहकर, अपने आप तुम्हारा मन भी उसके बताए मार्ग पर आकर्षित होने लगता है। होते हैं ना कुछ लोग, वो बड़ी जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं दूसरों को, कैसे, उनके भीतर ये अट्रैक्शन तुम्हें परफ्यूम लगा लगा के नहीं लानी होगी, ये अट्रैक्शन तुम्हारे भीतर से प्रकट होगी जब शुश्रूषा नाम का गुण होगा। वह व्यक्ति दूसरों को मोक्ष मार्ग पर लाने का कारण बनता है, निमित्त बनता है। और अंतिम दिया है, सुगति मिलती है, उसकी बुरी गतियाँ यानी नर्क इत्यादि, तिरियंच इत्यादि, या जो छोटी गतियाँ होती है, वो सारी गतियाँ उसकी कट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ये भी बहुत बहुत नहीं है क्या, नर्क और तिरियंच आदि के जो छोटी जो नीची गतियाँ हैं, जब धर्म का योग ही नहीं है, सुनने का योग ही नहीं है, वो सारा खत्म हो जाता है उसका, अद्भुत है कि नहीं। तो धर्म के चार आधार अच्छे से समझना, 73 के 73 बोल इसी प्रकार है, फल और कृत्य के बीच की तुम्हारी ये जो
गड़बड़ है ना, उसको हटाएंगे। तुम लोग क्या करते हो, आज्ञा पालन में पालन करते हो, लेकिन वो तुम्हारी वृत्ति बन जाए, ये कब होगा? आज्ञा पालन तुम्हारे लिए कृत्य है अभी, है कि नहीं? अरे करना है, टिक करना है ना, नहीं तो लीना प्रभु 3 महीने बाद तो डांटेंगे। लीना प्रभु, हाँ मैं तो कुछ कहती नहीं इस चक्कर में, लीना प्रभु डांटेंगे। उनके डर से आप लोग जो कर रहे हैं ये आज्ञा पालन की सहज मनोवृत्ति नहीं है। लेकिन जहाँ कोई ज्ञानी तुम्हें नित्यक्रम दे और बस तुम भाव से उसको करने के पीछे धरपट लग जाओ, मतलब ये परिणाम है। और ये पाया कैसे जाता है? शुश्रूषा, कितना अद्भुत गुण है कि नहीं? तीसरी दृष्टि में आता है, जो योग की 8 दृष्टि है ना, उसमें तीसरी दृष्टि जब आती है ना, तब व्यक्ति के अंदर शुश्रूषा नाम का गुण प्रकट होता है। और तीसरी दृष्टि का मतलब यही होता है कि बस सम्यक दर्शन से निकट निकट है। और मैंने तो पहले ही सत्संग में बोला था कि ये 73 लेनी पड़ेगी क्रम से हमें, क्योंकि बोलने में क्रम आएगा, लेकिन अदरवाइज इट इज़ जस्ट लाइक अ सर्कल। तुम किसी भी सूत्र से अपनी आत्मविशुद्धि की तरफ सरक सकते हो। हो सकता है तुम्हें वासना उपासना वाला ना सत्संग समझ में आया हो। आज का समझ में आया? आज तो तुम एसी में बैठ के सुन रहे हो। हाँ बोल रहे, हाँ बोला तुमने, किसने हाँ बोला जोर से? मुझे हाँ कहाँ से सुनाई दिया, इन्होंने ही बोला है ना। तो तुम्हें चलो आज का समझ में आया, तो बस अब जब मैं ना हो ना तो सुनने की तीव्र इच्छा रखना, तुम तो साथ ही आ जाते हो, तो वहीं सुनने की इच्छा रखना जब मैं ना बोल रही हूँ तब। शुश्रूषा यानी ये सारे परिणाम, तुम कोशिश करोगे हमें अच्छी गति मिले, अच्छी गति मिले, उसके लिए दान करोगे, तप करोगे, सब करोगे कि नहीं? लेकिन ये सब वही, ये भ्रांतियाँ हैं मोक्ष मार्ग की। पंचम काल ये इसलिए तो है कि यहाँ पर कोई तीर्थंकर नहीं है, लेकिन फिर भी अभी इस पंचम काल को अच्छा भी बोला है, क्योंकि सद्गुरुओं के माध्यम से धर्म का सही स्वरूप जीवित है। हाँ ये मुश्किल है कि किसी सद्गुरु का योग हो पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि धर्म मर गया। धर्म तो पंचम काल के अंतिम दिवस तक रहने ही वाला है ना। तुम्हें योग मिलना मुश्किल है, क्योंकि बहुत थोड़े से वैसे जीव हैं जो इस प्रभाव, जो धर्म का सत्य रूप जानते हो। और दूसरा, तुम्हारा इतना पुण्य भी नहीं होगा शायद, तुम्हारा तो है लेकिन लोगों का इतना पुण्य भी नहीं होता कि सही मार्ग तक पहुंच पाए। लेकिन ये जो 4 गुण हैं धर्म के, जो 4 आधार, संवेग, निर्वेद, धर्म, श्रद्धा और शुश्रूषा, किसी भी गुण से आपको बात समझ में आई हो ना कि बस सत्संग में बैठे हैं तो उल्लास, कौन सा गुण है ये? संवेग। वासना की तरफ जाता हुआ मन उपासना की तरफ मोड़ना, निर्वेद, इससे परिभ्रमण के प्रति वैराग्य आएगा। तुम इतना खाली एक बार करके तो देखो, करके तो ये करना है। तुम कहो परिभ्रमण की वेदना कैसे लगे, कैसे लगे, करना ये था, वासना की तरफ जाता हुआ मन उपासना की तरफ लाना था, करना ये था, शूद्र आचरण से होते हुए परम आचरण तक पहुंचना था, करना ये था। और तुम करने लगे दूसरे काम, तुम करने लगे अब क्रोध नहीं होना चाहिए, कैसे क्रोध से छूटे, कैसे? और बेवकूफ लोग उसके उपाय भी ढूंढते हैं कैसे क्रोध से छूटे, बोलना नहीं, मौन ले लेना, मौन आदि इसकी व्यवस्था नहीं है। इसकी व्यवस्था ये 4 है, ये 4। और किसी भी सूत्र से तुम आत्मशुद्धि की ओर सरक सकते हो, वो इसका मजा है। अगली बार से हम आरंभ करेंगे धर्म का आरंभ। अभी तो धर्म के आधार लिए 4, धर्म का आधार के लिए हमने लिए 4। अगली बार से हम शुरू कर रहे हैं धर्म का आरंभ। शुरुआत कैसे होती है धर्म की, धर्म का आरंभ कैसे होगा, उसके लिए 5 बातें लेंगे, इसी के अंदर आ जाएगी। 5वां पॉइंट है जो इसका, वो है आलोचना, 6ठा निंदा, 7वां गरिहा, 16वां प्रायश्चित और 17वां क्षमापना। ये 5ों हम इकट्ठे लेंगे। धर्म की शुरुआत, धर्म का आरंभ तब होता है जब तुम जो भीतर पड़ा है ना उसे बाहर निकालते हो। धर्म के नाम पर अभी तक हमने क्या व्यवस्था थोपी है, कुछ ऊपर से करते रहो, तपस्या करते रहो, दान करते रहो, ऊपर ऊपर से कुछ करने की व्यवस्था का आयोजन किया है। लेकिन धर्म का कार्य शुरू होता है जब जो ऑलरेडी अंदर पड़ा है ना उसे बाहर निकालने से। धर्म अंदर क्या पड़ा है, पैसे पड़े अंदर,
अंदर क्या पड़ा है, वस्तुएं पड़ी है अंदर, किसी के प्रति का द्वेष, किसी के प्रति ईर्ष्या। अभी तक हमने क्या आयोजन किया है धर्म का, किस तरह का, कि धर्म यानी एक ऐसा आयोजन, ऊपर ऊपर से कुछ नए नए नकाब ओढ़ते रहो, तपस्या का नकाब ओढ़ लिया, मंत्र का नकाब ओढ़ लिया, तीर्थ यात्रा का नकाब ओढ़ लिया, ये सारे नकाब ओढ़ लो, ये धर्म है। लेकिन नकाब ओढ़ना धर्म नहीं है, बेनकाब होना धर्म है। और नकाब तुम्हारे भीतर कौन से हैं, क्रोध मान माया लोभ जो भी है, वो इतने मोटे मोटे के बदले हम तो जाएंगे, आलोचना निंदा गरिया प्रायश्चित और आलोचना, ये 5 पॉइंट अगले सत्संग से हम लोग शुरू करेंगे। किसी का कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? आज के दिन में ये सूत्र तो जरूर समझ के जाना कि यदि तुम्हें सुगति चाहिए या यदि तुम्हें किसी भी शास्त्र का आशय समझना है तो शास्त्र पढ़कर नहीं समझा जाता, किसी के गुण देखकर, उसको उस गुण के लिए कॉम्प्लीमेंट भी यदि कर दो तो उसका रिजल्ट ये मिलेगा कि तुम्हें शास्त्रों के आशय समझ में आने लगेंगे। लो, समझ में आ रही है बात? वही बात कह रही हूँ मैं, ट्रांसफर होगा ना, वाई नॉट। इसलिए कहीं भी गुण देखो ना, गुणों की अनुमोदना करो। अभी तुम लोगों को यूथ क्लब में भी मैंने यही कराया था ना, रिलेशनशिप अकाउंट में, कि जहां तुम किसी को देखते हो ना कि ये अच्छा है तो उसको अच्छा बोलो, कुछ भी। अरे तुम्हें उसके बाल अच्छे दिख जाते हैं तो भी बोलो तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं। जैसे मुझे तो लंदन में आके किसी ने बोला था कि आपके बाल बहुत अच्छे हैं, क्या कराते हो? कब क्या याद नहीं आ रहा था उस टाइम क्या कराया था, लेकिन मैंने कहा तुमने सत्संग सुना के बाल देखे, क्या किया क्या तुमने? लेकिन ठीक है, इसको भी मैं तो डालती हूँ किस खाते में, गुण ग्राहकता शुश्रूषा के खाते में डालती हूँ, किसी दिन उसे मेरे किसी वचन का आशय अच्छे से समझ में आ जाएगा। इतना भी तो कर, इसके लिए भी तुम्हारा ईगो कम होना चाहिए, तुम्हारा अहंकार कम होगा ना तभी तुम किसी के बालों की तारीफ कर पाओगे। अब ये मत शुरू कर देना बालों की तारीफ करना, लेकिन तुम्हें जहाँ कहीं कुछ भी अच्छा दिखता है ना तो उस अच्छे की अनुमोदना मनोमन नहीं, प्रकट रूप से बोल कर करो। जब ये गुण प्रकट होता है तो इसका कितना बड़ा फल है, कितना बड़ा, गुरु के वचन का आशय तुम्हें समझ में आता है, शास्त्र के लिखे बोल शब्द अपने आप बोल बन जाते हैं, जैसा मैं कहती हूँ लिखे हुए शब्द लेकिन बन जाते हैं बोल। हम आपकी ताली, ये भी शुश्रूषा है, ये जो आजकल आप लोग तालियां बजाते हैं ना, ये भी शुश्रूषा है। बिल्कुल आपने अनुमोदना करी है, लेकिन आप ताली किस लिए बजाते हैं? ये शूद्र आचरण है कि परम आचरण, ये भी चेक कर लेना। सभी के लिए, आपके लिए नहीं कह रही मैं, सभी के लिए। इन्होंने बजाई, वो प्रभु ने बजाई, इसलिए आप सब बजाने लगे तो ये हो गया शूद्र आचरण। लेकिन आपके भीतर भी उल्लास आया प्रभु जैसा, भले ही सबने साथ में बजाई तो ये हो गया परम आचरण। किसी को दिखाने के लिए बजा रहे हो तो शूद्र आचरण, और ताली बजाए बिना रह नहीं सकते, ये हो गया परम आचरण। परम आचरण से मिलो। आज बस इतना ही प्रभु। हाँ, आज मेरी तारीफ हो रही है, मुझे बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अपनी तारीफ सुनना। मतलब आप तारीफ ही करने जा रहे थे ना? हाँ नहीं, संस्कृत तो मैं पढ़ी हुई हूँ स्कूल में, संस्कृत तो हम लोग स्कूल में पढ़े हैं। अरे मेरी तारीफ नहीं हो रही है तो, मुझे लगा कुछ अच्छा बोल रहा नहीं, मैंने कहा ना पूर्व का तो है ही, प्रभु पूर्व की आराधना तो है ही, लेकिन वर्तमान का भी कुछ तो पुरुषार्थ होगा। आपको लगता है मैं पूरा दिन, जैसे जैसे तब मैं पूरा दिन गाने सुनती रहती थी, आपको लगता है अभी भी मैं पूरा दिन गाने सुनती रहती होंगी और ये ज्ञान प्रकट हो जाएगा? नहीं। अब पूर्व का साथ है, लेकिन वर्तमान की भी उतनी ही मेहनत होती है। पूर्व का तो किया है, देखो पूर्व का तो जन्मों जन्म का है ना, जन्मों जन्म का। इस जन्म का तो इतना सा, वो 20 साल तो कैंसिल ही कर दो जिंदगी के आगे के, 22 साल हटा दो, 22 साल, और अभी कितनी उम्र है, 40। हाँ, किसको पता है मेरी उम्र?
अभी 40 जो मेहनत हुई 18 सालों के अंदर हुई है, लेकिन ये 18 साल जो लोग मुझे बहुत पास से जानते हैं ना, उनको मालूम है कि कितना खोई हुई हूँ। हाँ, ये बैठे हाँ, ये ज़रूर, ये वर्षा आंटी ने तो बच्चों की तरह हमें बड़ा किया है और देखा है इन्होंने काफ़ी निकट से, तो अच्छी तरह ये भी यही कह रहे हैं। जब माइक देके बोलो ना तो कुछ तारीफ हो। आपका शुश्रुषा के अकाउंट में मैं पैसे डलवा रही हूँ, इसलिए आप बोलो। नहीं, खाली कहना तो उनको इतना ही है कि आप जो भी करती थी, इन्होंने बचपन से देखा है प्रभु, तो इन्होंने नाम भी लिया कि फेमिना पढ़ती थी तब तुम, स्टारडस्ट भी पढ़ती थी, नाम नहीं लिया इन्होंने, लेकिन स्टारडस्ट भी पढ़ती थी तो 100% एक एक न्यूज़ तुम्हारे को मुंह पे होती थी, तब भी 100% पढ़ती थी ऐसा। तो अब वो मान रहे हैं कि आज की डेट में आप ये भी करती हो तो 100% पूरा उसमें डूब कर कर रही हो, इसलिए वो ये बात खाली कह रहे हैं, इन्होंने देखा है। मैं इनके बच्चों को पढ़ाती थी, इनके बच्चों को, जय को तो खूब पढ़ाया मैंने, तो तभी वो लॉयर बना है। अरे बिल्कुल। देखो सही बात है प्रभु, सच में आप जैसे लोग नहीं होते ना तो ये अष्टावक्र और उत्तराध्यायन सूत्र जैसे गूढ़ शास्त्र लेने की मेरी हिम्मत भी नहीं थी, हिम्मत भी नहीं थी। और मैंने अभी एक आध सत्संग पहले ही शायद गौतम प्रभु ने अनाउंस भी किया कि साधकों की अब जो स्थिति है ना, उसे देख कर अब मेडिटेशन शुरू किए जा रहे हैं। यानी आपकी दशा के कारण ही ध्यान की शुरुआत हुई है ऑब्वियसली, नहीं तो ये ध्यान तो हम 4 साल पहले भी कर सकते थे, लेकिन आप लोग तैयार नहीं थे। तो इसके लिए आप लोगों को क्लैप्स, कि आप लोग तैयार हैं। इसके लिए मुझे क्लैप्स। बस प्रभु, ऐसे ही क्लैप करते करते हंसते हंसते निकल जाओगे प्रभु, पता भी नहीं चलेगा। धर्म के मार्ग पर भी बहुत मेहनत नहीं करनी, मैं हमेशा कहती हूँ, राइट मेहनत करनी है, बहुत नहीं। इस कमरे में उजाला करना हो तो बहुत भागम भाग नहीं करनी, स्विच लोकेट करो और बस कर दो। इसी तरह तुम जिसे कृत्य मान मानकर जन्मों जन्म से करे जा रहे हो, वो एक्चुअली परिणाम थे, वो परिणाम थे। ये समझ तुम्हें आई ना, तो बस यहाँ से धर्म की शुरुआत करो। आज बस इतना ही।